बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरह जुहा का अमल बताना चाहती हूँ। इसकी हर काफ पर नौ नौ बार या करीमु पढ़ने के क्या कमालात और मौजजात हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो में जो मैं आपके साथ मुशाहिदा शेयर करने वाली हूं वो असल में नौकरी के हवाले से है, और वैसे ये अमल बहुत से मकासद के लिए किया जा सकता है। एक साहब बताते हैं कि मेरे एक दोस्त के बेटे ने तकरीबन 3 माह कबल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया और जॉब के लिए परेशान था। रोज़ाना अपनी वालदा के कदमों में बैठकर दुआ की दरख्वास्त करता। अब वालदा भी बेटे को परेशान देखते देखते खुद परेशान हो गई, जिन्होंने अपनी परेशानी का तस्करा बजरिया फ़ोन अहलिया से किया। चुनाचे अहलिया ने शेखुल वज़ाइफ का बताया हुआ अमल सूरह जुहा अव्वल और आखिर 3-3 बार दरूद पाक हर काफ पर 9-9 बार या करीमों पढ़ने और अपने मकसद का तसव्वुर करके रब्बे करीम से मांगने की तरकीब बतला कर यकीन दिलाया कि आप यकसुई से सिर्फ 5 दिन पढ़ें, इंशाअल्लाह मसला हल होगा। चुनाचे एक हफ्ता बाद इनकी मिसिस का फ़ोन शुक्रिया के लिए आया और बताया कि सूरह जुहा का अमल सिर्फ 5 दिन किया, बेटे की बाइज्जत जॉब ऑयल एंड गैस कंपनी में हो गई है। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।